कहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में भूमिका मंदिर का जो स्थान है वो बहुत अहम है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी ने खुद अपनी यात्रा की शुरुआत जो थी ना, वो पूरी कहानी की शुरुआत वो यहाँ से हुई थी। तो हम भूमिका मंदिर पहुँच गए हैं, इनकी बाबा श्रीधर के गांव में, उनके घर में, उस कुटिया में जहाँ पे खुद माता वैष्णो देवी ने भैरव बाबा और बाकी गाँव के लोगों को जो था वो भंडारा करवाया था। तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है वैसे ही माता की, तो यहाँ पे उन्होंने भंडारा करवाया, उसके बाद चरण पादुका, बाणगंगा, चरण पादुका, फिर अर्धकुमारी और फिर भवन। तो इस तरीके से आप भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, बहुत पास में है, एक घंटे में आप पैदल भी आ जा सकते हैं। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ अभी कितना लगा है हमें, आप देखिए ये भूमिका मंदिर है नीचे और 20 मिनट लगे हैं, जबकि हम रिकॉर्डिंग करते हुए आए हैं। 200 मीटर और ऐड कर लो तो 1.5 किलोमीटर भी नहीं होता है पूरा यहाँ से, और ये सीधा रास्ता जो है भूमिका मंदिर तक आ जाता है। बस ये जो आप ये देख रहे हैं ये भूमिका मंदिर है यहाँ पे, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको नीचे जानी है और आप पहुँच जाएंगे भूमिका मंदिर में। हाँ ये नया बन गया है, यहाँ पे बैठने के लिए भी स्थान अच्छे से। हाँ पिछली बार जब हम आए थे जब ये वाला स्थान नहीं था। जय माता दी। तो लीजिए जी ये 100-150 सीढ़ियाँ होंगी मुश्किल से 100-101 के आसपास की, ये आपको नीचे आना है और आप पहुँच जाएंगे भूमिका मंदिर में। यानी कि यहीं पे बताते हैं आगे वो स्थान है, वैसे इस टाइम पे तो पानी नहीं होगा यहाँ पे, जहाँ पे माता ने भंडारे के लिए पहाड़ में से पानी निकाला था। और उसके बाद आप देखिए इस पेड़ के नीचे से आपको दिखाता हूँ, ये आगे एक धारा आती है पानी की, इसको बोलते हैं कि वो स्थान है ये जहाँ पे माता ने भंडारे के लिए पानी निकाला था। और ये वाला है भूमिका मंदिर, कहते हैं कि यही वो कुटिया है, यही वो स्थान है जहाँ पे खुद माँ वैष्णो देवी ने भंडारा करवाया था। इसी के अंदर है ना 900 साल पुरानी एक मूर्ति भी बताते हैं है, जो खुद पंडित श्रीधर जी जिसकी पूजा किया करते थे, तो उसके भी दर्शन आप यहाँ आके कर सकते हैं। और बाकी सब आपको अंदर जाके दिखाते हैं एक बार। जय माता दी। इस धारा को कहते हैं कि यही वो धारा है जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने पानी निकाला था। अब यहाँ पे बैठने का स्थान बना दिया है और ये है भूमिका मंदिर। हाँ इसके नीचे वो जल की धारा थी, इसमें ये है भूमिका मंदिर माता वैष्णो देवी का। और आगे वहाँ पे पंडित श्रीधर जी और उनकी पत्नी माता सुलोचना की भी एक मूर्ति बना रखी है। जय माता दी। तो जी भूमिका मंदिर यानी कि पंडित श्रीधर जी के घर में आप दर्शन कर सकते हैं माता की, उस 900 साल पुरानी मूर्ति के जहाँ की, जिसकी पूजा खुद पंडित श्रीधर जी ने की थी। चलिए आपको एक स्टोरी और दिखाते हैं जिसके बारे में अभी बता रहे थे। तो ये है वो स्टोरी जो आपने श्री माँ वैष्णो देवी की मूवी में भी देखी होगी कि यहाँ पर हुआ था भंडारा और यहाँ पर पंडित श्रीधर जी के दर्शन, माता सुलोचना जी के दर्शन आप कर सकते हैं। एक उनका मंदिर अलग से यहाँ पर बना दिया गया है, तो यहाँ पे आप पंडित श्रीधर जी के और माँ सुलोचना के दर्शन भी कर सकते हैं आके। और ये हो गया यहाँ पे भूमिका मंदिर। जय माता दी। जय माता दी। तो वह दर्शन करके आ गए हैं माता की उस मूर्ति के भूमिका मंदिर में, जिसकी पूजा खुद पंडित श्रीधर जी ने की थी। और यहाँ पे जो मंदिर बन गया है यानी कि पंडित श्रीधर जी का और माता सुलोचना का, वहाँ पे भी दर्शन हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा बाबा श्रीधर चौक या कटरा बस स्टैंड से 20 मिनट में आप पैदल आ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर के आसपास है टोटल। तो जब भी आप माँ वैष्णो देवी की अगली यात्रा पर आएँ, अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ, बल्कि हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार यहाँ पे दर्शन करके देखें, बिल्कुल खुले दर्शन आपको यहाँ पे आराम से होते हैं।
और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, और चारों तरफ के नज़ारे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार जगह है। और 1.5 किलोमीटर के आसपास टोटल है, देखो आपको दिखाता हूँ एक बार। ये यहाँ पे भूमिका मंदिर और ये रोड है सीधा जो वहाँ पे चला जाएगा, और खूबसूरत है एकदम, बहुत बढ़िया। तो अगली बार आप जब भी आएँ यहाँ पे आप दर्शन करके ज़रूर जाएँ। जय माता दी सबको। अगली वीडियो में आपको यात्रा करवाते हैं श्री माता वैष्णो देवी की बाणगंगा से भवन तक। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स। जय माता दी।